नमस्कार, हरियाणा उत्सव में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप हमारा खास कार्यक्रम चुनाव यात्रा 2019 आप देख रहे हैं। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं गोहाणा से युवा भाजपा नेता अरुण बड़ोग जी। आइए इनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका हरियाणा उत्सव में। जी जी, आपका भी स्वागत है। आपको करिए हमारे को। सर, आप जनसभाएं लगातार कर रहे हैं, चुनाव नज़दीक हैं, तो किस तरह का समर्थन लोगों की तरफ से मिल रहा है? हमारी पार्टी की तरफ से मेंबरशिप के आदेश आए थे पार्टी की तरफ से, भाई नई मेंबरशिप बनाओ, उसके लिए सभाएं करी हैं। लोगों में पूरा जोश है और जोश तो पहले भी था, अब धारा 370 लगने के बाद तो लोगों का दोगुना हो गया और एक तरफा माहौल है पार्टी का, पूरा जो समर्थन मिल रहा है। अब धारा 370 की बात आपने की, तो किस तरह का उत्साह धारा 370 के प्रति लोगों में दिखाई दिया? धारा 370 का तो उत्साह, तो ये बात जो कांग्रेस के जो बचे खुचे रह गए बंदे या और दूसरी पार्टियों के हैं, अब तो वो भी कहते हैं कि अब तो बीजेपी की 90 सीट आएंगी और सभी का रुझान पार्टी की तरफ ही है। भाई ये देश के लिए जो देश हित में काम करा है 70 साल में कोई नहीं कर सका, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कर दिखाया है, बहुत उत्साह है लोगों में। बात गोहाणा हल्के की करें तो किस तरह की समस्याएं आज भी आपको गोहाणा में दिखाई दे रही हैं? गोहाना हल्के में काम बहुत हुए हैं, अब बीजेपी राज में बहुत सरकार ने काम करवाए हैं, जो अब समस्याएं रह गई हैं आगे ले सरकार में वो हो जाएंगी, बाकी जो भी काम चल रहे हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अब जैसे बाईपास का काम का उसकी होगी है मंजूरी, ग्रांट मिल चुकी है उनकी, और अब जैसे मंजूरी रह गई है विभागों की, उनका काम शुरू होने वाला है, बाकी काम अगले जो रह गए हैं अगली सरकार में हो जाएंगे 5 साल में अगले में। बात कांग्रेस की तरफ से करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर माना जाता है ये गोहाणा। गोहाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कोई काम नहीं करवाया, घर घर बताया, काम कुछ नहीं करवाया गोहाणा में। गोहाणा में उसी का नतीजा अब निकला है, गोहाणा में 11,000 वोटों से आ रहे हैं और सोनीपत ज़िले से भी आ रहे हैं, पूरी लोकसभा से भी आ रहे हैं, तो उनको लोगों ने आईना दिखा दिया है। जो भेदभाव उन्होंने किया था सोनीपत ज़िले के साथ गोहाणा के साथ, उसका उनको फल मिल गया है। अब जो लगातार दूसरी पार्टियां छोड़कर कार्यकर्ता हैं, नेता लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं, तो क्या लगता है टिकट मिलने के बाद वो भाजपा में रहेंगे, वापस चले जाएंगे, या स्वार्थ से आए हैं, कैसे आए हैं? जो टिकट के उसमें आए हैं तो वो तो उनकी मर्जी है, जो टिकट के लालच में आए, टिकट तो एक को ही मिलनी है। पार्टी का जो साथ देंगे पार्टी भी उनको देगी, मान सम्मान देगी, जो पार्टी का साथ देंगे दिल के साथ, जो पार्टी का साथ देंगे पार्टी भी उन्हीं को मान सम्मान देगी आगे राज में, और जो मतलब ही हैं बड़े वो तो आते जाते रहते ही हैं। आप भी इनेलो छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, तो सर कहाँ से प्रभावित हुए? भाजपा की मनोहर लाल खट्टर जी से प्रभावित हुए, उन्होंने जो मेरिट आधार पर नौकरियाँ लगवाई, बिना भेदभाव के काम करवाए, 36 बिरादरी के काम करवाए, तो खट्टर जी ने जो सारे करवाए काम उनकी नीतियों से, मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन करी हमने, और पार्टी की जी जान से सेवा करेंगे कार्यकर्ता की तरह। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नाम से लोगों ने वोट दिया, तो विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा, कैंडिडेट का जो फैक्टर है वो कितना काम करेगा? कैंडिडेट का फैक्टर भी काम करेगा, साफ सभी का कैंडिडेट होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का भी, खट्टर जी का, उनका भी पूरा वो रहेगा प्रभाव, तो मिलजुल के सबका प्रभाव रहेगा और पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, 90 की 90 सीट जीतने के आसार हैं बीजेपी के। और लोकसभा चुनाव में यहाँ से जो जीत हुई है गोहाणा हल्के की हम बात करें, तो विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, मार्जिन बढ़ेगा कम होगा, क्या लगता है? लोकसभा चुनाव में 11,000 वोटों से जीते थे रमेश कौशिक जी, अब की बार कम से कम 25,000 से कम से कम जीतेंगे, फालतू जाए कितने वोटों से जीते हैं। आपको यहाँ से मौका मिलता है तो क्या देखते हैं? पार्टी मनोहर लाल खट्टर जी जिसको भी मौका देगी हम तो उसी के साथ हैं, कमल का निशान, चाहे किसी को मौका दे उनके साथ हैं हम तो, पार्टी के साथ हैं हम तो। चलिए, 15 अगस्त आने वाला है तो क्या संदेश लोगों को देना चाहिए? 15 अगस्त पे सभी हरियाणा वासियों को, प्रदेश वासियों, गोहाना हल्के वासियों, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक। 15 अगस्त के रक्षाबंधन की भी सभी को, बहनों को, भाइयों को, सबको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गोहाणा से युवा भाजपा नेता अरुण बड़ोग। इनका कहना कि पार्टी जिसे भी कमल का फूल देकर भेजेगी उसका तय दिल से समर्थन करेंगे, स्वागत करेंगे और बहुत बड़ी जीत गोहाणा से बीजेपी की करवाएंगे। मेरे सहयोगी रवि नारंग के साथ हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।